अस्सलामु अलैकुम क्लास सिक्स, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेटा डे फाइव में हमारे पास आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, डू यू नो अबाउट क्रॉस। आप लोग सब बचपन से फैमिलियर होंगे कि क्रॉस क्या होता है, ठीक है। तो मैंने उसके आगे आपको साइन भी यहाँ मेंशन किया हुआ है कि आप सब जानते हैं कि क्रॉस जैसे हम टिक करते हैं इस तरीके से क्रॉस होता है। अब मैंने यहाँ पर आपको क्यों इसका कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करवाया, एंड मैंने एक और क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज़ मीन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस से जाहिर है तो क्रॉसिंग में कोई मल्टीप्लिकेशन हो रही है, यानी इस तरीके से हमारे पास कोई ना कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है। और व्हाट इज़ मीनिंग बाय मल्टीप्लिकेशन, सब अच्छी तरह जानते हैं, सब इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, मल्टीप्लिकेशन से मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, किस तरीके से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, स्ट्रैटेजी क्या है, बैकग्राउंड के क्रॉस इन वे इन क्रॉस वे में वो मल्टीप्लाई होंगे, कैसे होंगे हम अपने क्वेश्चंस में देखेंगे। आपने जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं डे फाइव में, वो क्वेश्चन नंबर सेवन है और नाइन है एक्सरसाइज फाइव ए का, जो कि आपको नोटबुक में करना है, लाजमी सी बात है। और इंडेक्स लाजमी आपने टाइम टू टाइम मेंटेन करना है। अगेन मैं एक आपको बात बता दूँ कि बेटा मैं कुछ बच्चों को कुछ बच्चे तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम परफॉर्म करते हैं कि डेट भी प्रॉपर होती है, एक्सरसाइज नंबर हर चीज़ आपकी मेंशन प्रॉपर हो, रफ वर्क अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आपने पेंसिल से यहाँ पर अपने रफ वर्क को करना है बहुत इन प्रॉपर वे में। मैं इसके क्योंकि इसके अंदर दो क्वेश्चन हैं और मैं आपको समझाने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर नाइन। एक ही वीडियो है हमारी डे फाइव की, पार्ट वन पार्ट टू बनाऊंगी क्योंकि थोड़ी लेंदी हो जाएगी, इसलिए मुझे दो पार्ट्स में इसको कन्वर्ट करना पड़ा। पार्ट नाइन में जो मैं आपको क्वेश्चन समझा रही हूँ वो सबसे पहले है ए पार्ट। सबसे पहले हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर नाइन का ए पार्ट है, फाइव एक्स प्लस वन अपॉन थ्री इक्वल्स टू सेवन। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन दोबारा कॉपी करेंगे, ये सारी बातें आपको पता है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि हमने बेसिकली करना क्या है, हमने इस क्वेश्चन का नाम है सॉल्व ईच द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब मैंने आपको बताया था, इक्वेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया था बेटा, जिसमें इक्वल साइन मौजूद हो और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास होती है, और उसके अंदर हमारे पास एक अननोन वैल्यू होती है, अननोन वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो हमें उस अननोन वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो भी उसके साथ कोई भी नंबर्स ऐड या प्लस या मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, हमें उसको इक्वल्स टू के उस तरफ शिफ्ट करना होता है। कैसे करेंगे, वन बाय वन, फाइव एक्स प्लस वन अपॉन थ्री इक्वल्स टू सेवन। बात याद रहे, हमारे पास यहाँ थ्री हो रहा था बेटा, क्या हो रहा था मेरे बेटे, यहाँ पर डिवाइड हो रहा था। यहाँ पर हमारे पास इक्वल्स टू के इस तरफ यानी के लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास थ्री डिवाइड हो रहा था, क्योंकि हमने x के पास से जितने भी नंबर्स या टर्म्स हैं हमें उसको वहाँ पर लेकर जाना है राइट हैंड साइड की तरफ। तो हमें स्ट्रैटेजी क्या देखनी है कि अगर थ्री डिवाइड हो रहा है, अगर थ्री डिनोमिनेटर में है तो वहाँ जाकर सेवन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके साथ साथ हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइव एक्स प्लस वन इक्वल्स टू सेवन, थ्री ज़ार 21। अब हमारे पास यहाँ पर प्लस वन यानी कि ऐड हो रहा है, एक्स के साथ हमारे पास प्लस वन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो वहाँ जाकर हमारे पास 21 से क्या हो जाएगा बेटा मेरे, माइनस हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि वन बाय वन हम टर्म्स को अपनी नंबर्स को वहाँ पर इक्वल्स टू के उस तरफ शिफ्ट करेंगे। क्यों करेंगे, बिकॉज हमें अननोन फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है, तो हमें वन बाय वन अपनी चीज़ों को अपने नंबर्स को राइट हैंड साइड पर लेकर जाना है। फाइव एक्स इक्वल्स टू 20, बहुत आसान कि हमें x फाइंड करना है। अब जो ये कोफिशियंट है 5x के साथ जो कोफिशियंट है वो क्या हो रहा है, x से मल्टीप्लाई हो रहा है। वहाँ जाकर हम x को भी एज इट इज़ रखेंगे, 20 को भी एज इट इज़ रखेंगे, और ये 5 जो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। बात याद रहे, कुछ बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं कि 20 को डिनोमिनेटर में लिख देते हैं और 5 को समझते हैं कि हम डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर मेंशन कर देते हैं, तो ये गलत है बेटा, इस तरीके से रॉन्ग है। जो चीज़ जैसी है वैसी ही रहेगी, जस्ट जो चीज़ आपकी एक्स से मल्टीप्लाई हो रही थी वो हमारी राइट हैंड साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगी। एंड यू नो वेरी वेल, फाइव वन्स आर फाइव एंड फाइव फोर्स आर 20, बिकॉज फाइव एंड 20 फाइव के टेबल में 20 आता है, और हमारे पास एक्स क्या आ जाएगा मेरे बेटे, 4 आ जाएगा, जो कि हमने अननोन फाइंड कर लिया। ये चीज़ गलत है, जो 20 अपनी जगह पर ही रहेगा, और 5 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था तो वहाँ इक्वल्स टू के तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा।
एक और क्वेश्चन मैं आपको समझाती हूँ ताकि आप अच्छे से क्लियर आउट हो जाए। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारे पास बी पार्ट है। बी पार्ट में आपके पास क्या स्ट्रैटेजी है देख लेते हैं। जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट दिया था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का, वो इसमें आपको ईजिली अच्छे से दिख जाएगा। सॉल्यूशन की बात करेंगे, दोबारा उतारेंगे, ये मैं बाद में आपको बता रही हूँ। अब यहाँ पर क्या है, मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया था क्रॉस, तो बेटा मेरे ये क्रॉस में हमारे पास मल्टीप्लीकेशन होगी, यानी 3 हमारे पास 2x माइनस 3 से मल्टीप्लाई होने चला जाएगा और 4 हमारे पास 3 आपका यहाँ जाएगा और 4 आपका यहाँ जाएगा। कैसे देख लेते हैं। 3 जब हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई होकर, ये सब स्ट्रैटेजी याद रखिएगा, जब इस तरीके से हमारे पास बोथ साइड पे इक्वेशन के अंदर बोथ साइड पे फ्रैक्शन आ जाएं और हमारे पास कोई स्ट्रैटेजी हमें इसके अलावा कोई फर्दर स्ट्रैटेजी अप्लाई नहीं हो सकती, तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, यानी कि 3 को हम वहाँ ले जाएंगे। और ब्रैकेट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 2x माइनस 3 एक से ज़्यादा टर्म्स मौजूद है, दैट्स व्हाई हम ब्रैकेट बनाए, क्योंकि 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, इक्वल्स टू रहेगा। 4 हमारे पास x माइनस 3 के पास चला जाएगा, अगेन ब्रैकेट बनाएंगे, x माइनस 3 क्यों इस तरीके से कर रहे हैं, बिकॉज मैंने बताया अभी आपको ब्रैकेट क्यों बना रहे हैं हम, क्योंकि 4 जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा x के साथ भी और माइनस 3 के साथ भी। अगेन कह रही हूँ बेटा ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, ऐसी मल्टीप्लीकेशन जो क्रॉस वे में होती है उसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। और हमें क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि हमें अपने अननोन को फाइंड करना होता है। जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर में नंबर मौजूद होता है, हम उसको कोशिश कर क्रॉस मल्टीप्लाई कर उसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं। अगेन हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ जाएगा। आपको पता है जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंगली क्या है, कि हमारे पास जो भी बाहर टर्म मौजूद है ब्रैकेट के, वो अंदर वाली हर टर्म से मल्टीप्लाई होगी। 3 2 6 एक्स, क्योंकि 2 के साथ x है तो 6 के साथ भी मौजूद होगा, प्लस माइनस माइनस। 3 3 9 इक्वल्स टू 4x 4x, प्लस माइनस माइनस। 4 3 12, बात याद रहे। अगेन हमारे पास ऐसी कंडीशन आ गई है जिसमें हम लाइक टर्म्स एक साथ कर सकते हैं, जिसमें 6x के साथ हम प्लस 4x जो कि यहाँ पर आकर माइनस 4x हो जाएगा, इक्वल्स टू अपनी जगह पर ही मौजूद है। माइनस 12 अपनी जगह पर ही मौजूद है, क्योंकि माइनस 9 को हमने चेंज किया है उसकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पर लेकर जा रहे हैं, तो माइनस नाइन नहीं रहेगा बल्कि क्या बन जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा। अब सिंपली आपने सॉल्व करना है प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बड़े नंबर की तो प्लस शो नहीं करेंगे। 6 में से 4 माइनस करें 2x, माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन 12 की, बिकॉज 12 बड़ा नंबर है तो माइनस की साइन आएगी और माइनस करेंगे। 12 में से आपने 9 माइनस करें तो बेटा मेरे 3 हो जाएगा, क्योंकि आपने x फाइंड करना है तो 2x से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो हमने x को यहाँ पर सिंगल कर दिया है और माइनस 3 अपनी जगह पर ही है। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पर आपके सामने जो फ्रैक्शन मौजूद है, दिस इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बिकॉज न्यूमरेटर हमारे पास बड़ा है और डिनोमिनेटर हमारे पास छोटा है, तो हमने इस, क्योंकि और कैंसिलेशन भी नहीं हो रही क्योंकि 3 और 2 एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, तो हमने करना है इसको प्रॉपर में। प्रॉपर में करने का तरीका आप सबको आता है, डिवीजन तरीके से हम कर सकते हैं, मैं नहीं बताऊंगी, मैंने आपको जस्ट रिवाइज करवा दिया। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 1 अपॉन 2, देख लिएगा बेटा इसको करके आप। जज़ाकअल्लाह।